देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं रेगुलर या रिपीट ना करूँ अपने आप को। कोशिश करता है हर एक्टर, कोशिश करता है कुछ नया करने की। तो ये एक रोमांटिक थ्रिलर है, हॉरर है। सो मैंने ये जॉनर में कभी काम किया नहीं। तो जब विक्रम जी ने मुझे बताया कि ये हम एक रोमांटिक हॉरर बनाने जा रहे हैं, तो मैंने स्टोरी भी नहीं सुनी, मैंने सीरियसली यही कहा कि मुझे करना है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट की स्टोरी, जिस तरह से उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगी। क्योंकि ये रूटीन फिल्म नहीं है, थोड़ी हट के फिल्म है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ग्रैंड है। हमारी प्रोड्यूसर मैडम ने एक पैसा कहीं बचाया नहीं है। हो सका जहाँ एक रुपया चाहिए तो वहाँ दो रुपया खर्च किया है उन्होंने। और ये हम डेफिनेटली इतना तो कह सकते हैं कि फिल्म अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। और हमारा जो दूसरा और तीसरा शेड्यूल जो बनने जा रहा है वो भी बहुत ही कमाल इंटरेस्टिंग है। आई होप कि ये उतना ही अच्छा शूट हो जितना हमने पहला शेड्यूल किया था। और स्पेन जैसी कंट्री में शूट हुआ है फिल्म, ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्म शूट नहीं हुई कंट्री में, तो कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट है और कितना कामयाब रहेगा ये एक्सपेरिमेंट? देखिए, कहीं भी आप यूरोप में कहीं भी चले जाएं, एक सीनिक ब्यूटी होती है, उसका जो उसकी जो स्काईलाइन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, जो हमें ज़्यादा देखने नहीं मिलती हैं। बहुत ही सीनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी और कंट्री है स्पेन। और मुझे लगता है कि लोग स्पेन को जितना अब तक उन्होंने सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा होगा, वो जब फिल्म में देखेंगे तो मुझे लगता है कि स्पेन का टूरिज़म बढ़ने वाला है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे परेश सर ने कहा कि बहुत ही ग्रैंड शूट हुआ है, आपने इस सीन में सारे प्लेन यूज़ किए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या? मैं एक शॉट था मेरा, मतलब एक लैंडिंग शॉट था हमारा, कि एक्टर्स एक ग्राफ लेके जा रहे हैं और एक जगलिंग है बहुत ज़्यादा, प्लेन्स की जगलिंग थी। तो उसमें मैंने कम से कम भी 54 प्लेन उड़ाए हैं और जगलिंग करवाई। और जगलिंग मतलब भी आप, ये सीन अमेजिंग था। मैं कोई ग्राफिक सीन नहीं कर रहा इसमें, रियल शॉट लिए मैंने पायलट के साथ, और एक एक आर्टिस्ट पायलट के साथ बैठा है, मतलब चाचा कैमरे वहाँ लगाए थे और अमेजिंग। हम पूरा एक दिन में हमें ये शॉट, मेरा पूरा दिन लगा मेरा पूरा शॉट लेने में, पर जो चाहिए था वो मैं लेकर आया। थैंक यू। एक चीज़ और इसमें मेरा एक फिरोज रेडी, ये मिस्टर फिरोज हैं, कोरियोग्राफर, मेरा बहुत अजीज दोस्त। जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आया था तब से ये मेरे साथ हैं और मेरी फिल्म के दो गाने कर रहा है, स्पेशल एक आइटम सॉन्ग कर रहा है और एक मेहतब से गाना कर रहा है। तो दो गाने मेरा भाई, मेरी फिल्म भी कर रहा है। गानों के बारे में बताइए, किस तरह के गाने होने वाले हैं, क्योंकि सरकार की रोमांटिक थ्रिलर है फिल्म, तो कौन से मूवी? तो सस्पेंस रखा हुआ है इसने, बोला कि दो तीन दिन के बाद तुझे बुलाता हूँ, गाना सुनाता हूँ। तो मेरे लिए तो ये सस्पेंस अभी तक, यही बताएंगे आपको। गाने का आइटम सरप्राइज होगा, सस्पेंस ही सरप्राइज है इसके लिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले प्रॉमिस किया था कि जब मैं फिल्म करूँगा तो गाने दुख करेगा मेरा भाई। एक मैं एक रोमांटिक गाना कराना चाह रहा हूँ फिरोज से, और एक मेरा आइटम सॉन्ग है जो फिरोज करने वाला है।